نحمد ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارا نمبر 22 تھا سوره ياسين نمبر 13 वाह मैंने और और जरब बयान करो लहुम उनके लिए मसलन मसाल असहाबुल असहाब असहाब रहने वाले करिया करिया करिया, करिया कहते हैं ना बस्ती बस्ती वालों की या गांव वालों की इस जब जा आया उनके पास अल मुरसलून मुरसलून मुरसल पैगाम पहुंचाने वाला पैगम्बर बा मुहावरा देख लेते हैं और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए और आयत नंबर से ट्वेंटी हम पढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलेगा इसमें गांव वालों का किस्सा बयान किया जा रहा है और बेसिकली कफारे मक्का को बताया जा रहा है कि जिस तरह गाँव गाँव जैसे गाँव वाले होते हैं ना जिनके अंदर थोड़ी सी हड़गर्मी होती है जिद होता है प्रेज, प्रेजिडस होता है रसूलों से इनकार करते हैं तो ये यहाँ पे वो चीज बताई जा रही है कि और इन गांव वालों का किस्सा बयान करो जब इनके पास पैगंबर आए अब ये बस्ती कौन सी थी इसके मुताबिक इससे मतलब कुरान और हदीस में कोई सराहत नहीं है और कहते हैं कि इससे मुराद रूम में वाकया अंताकिया शहर है और और इस बात में इख्तलाफ भी है और आगे चलते हैं कि उनके पास कौन पैगम्बर कौन अल्लाह की पैगाम पहुँचाने वाला आया आयत नंबर चौदह इज जब अरसलना हमने भेजे अलैहिम उनकी तरफ असनैनी दो फकज़बूहुमा प्लूरल सेंस में है फा मैंने पस और कज़ब झूठ बोला उन दोनों ने उन दोनों को बस उन्होंने झुटलाया इन दोनों को अब आप देखते हैं कि थोड़े से इन पास इधर-उधर हो जाएं तो क्या मायने में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं फक्जबुहुमा पस उन्होंने जुटलाया इन दोनों को जो पीछे बताया गया था फअज़्ज़स्ना फअज़्ज़स्ना मुअज़्ज़ज़ अज़्ज़स्ना हमने قوه दी हमने जोर दिया फअज़्ज़स्ना फिर तक़व्वियत दी हमने 20 सालिस 20 सालिस सात तीसरे के फलू तो उन्होंने कहा इना बेशम तुम्हारी तरफ मुर्सलून भेजे गए हैं आयत नंबर फोर्टीन में है यानी कि जब हमने इनकी तरफ दो पैगम्बर भेजे तो उन्होंने इनको जुटाया फिर हमने तीसरे से तकवीत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगम्बर होकर आए हैं अब जैसे इस बस्ती के बारे में नहीं मालूम कि वो कौन सी बस्ती थी और कुरान के बयान से सरसरी तौर पर तो ये मालूम होता है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्लाह के रसूल थे और अगर हम देखा जाए तो उनका जमाना हजरत ईसा इस्लाम से पहले का जमाना होना चाहिए था क्योंकि हजरत ईसा आलाम के बाद हजूर वसल्लम की बासत तक कोई नबी या रसूल मबूस नहीं हुआ और बस्ती के नाम आ, का भी कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है और बहरहाल मकसद क्या था चाह रहे थे, थे कि कफारे मक्का, इन बस्ती वालों के हालात में बहुत सी बातों में सिमिलरिटीज हैं कुरैश पी रसूल वसल्लम को ये कहते थे कि तुम भी हमारे साथ जैसे इंसान हो आखिर हम में ऐसी कौन सी बड़ी खूबी है जो अल्लाह ने तुम्हें नबूत के लिए मुंतखब कर लिया ये ऐसा एतराज था जो हर नबी के मुनकर ने अपने नबी के मुतालिक करते आए थे गोया नबोद के जाहली तस्वर था कि जो बशर हो यानी कि जो इंसान हो वो रसूल नहीं हो सकता और इसके बरक्स दूसरा जाहिल तस्वर ये था कि जो रसूल हो वो बशर नहीं हो सकता क्योंकि कुरान सब अंबिया को बशर भी साबित करता है और रसूल भी साबित करता है ये अल्लाह ताला तला बड़ी हमत थी कि अल्लाह ताला ने जितने भी डराने वाले अल्लाह का काम पहुंचाने वाले बना भेजे वो इंसान ही थे और यहीं पे लोग एतराज करते थे इंसान ही क्यों थे उस सुपर नैचुरल चीज क्यों नहीं थी या बहुत एलीट क्लास के होते तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुनना चूज करना अल्लाह के हाथों में है और अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के लिए जो बशर या रसूल बना के चूज किया उसमें हिकमत ये थी कि आज अगर मेरे और आपके सामने कोई जिन या फरिश्ता बैठा होता और हमें अल्लाह के अहकाम बयान कर रहा होता कि जी इस तरह आपने तर्ज अमल रखो गूकल आबाद ऐसा करो तो अल्लाह को पता था हमने यही जवाब देना था हाँ जी खुद के बंदा फरिश् खुद फरिश्ता है ना खुद तो जिन है ना इनको क्या पता हो हमारे इंसानों के क्या मामला होते हैं कितना जब पेट खराब होता है तो कितनी देर बाथरूम में लगती है या कितना सास जालम हो तो क्या हालात होते हैं और बच्चे अगर मूडी हो या हस्बैंड सख्त हो या ऐसे हो इन्हें क्या पता हो तो ये अगर इंसान के बजाय को और मफूक और फितरत चीज रसूल बना के भेजी होती तो तब हमारे और तरह के आर्गुमेंट होते तो यहां पे अल्लाह ताला को पता था तो अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान की आगाही उसकी अवेयरनेस देने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान ही को रसूल बना के भेजा आयत नंबर फिफ्टीन आलू उन्होंने कहा अब ये तीन पैगम्बरों का जिक्र किया जा रहा है जो बस्ती की तरफ भेजे उन्होंने कहा माँ नहीं अन तुम तुम इल्ला मगर बशर उन बशर आदमी मिस हमारी तरह वमा और नहीं अंजला नाजिल किया और रहमानु रहमान ने मिन शे इन कुछ भी इन अंतुम नहीं तुम इल्ला मगर तकजीबून तुम झूठ बोलते हो अब यहीं पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनका जो डाउट था यहाँ बता दिया आयत नंबर 15 में कि उन्होंने कहा बा मुहावरा उन्होंने वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आती हो अल्लाह ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की तुम महज झूठ बोलते हो यानी कि वो मुनकर हो गए वो जो पैगंबर अल्लाह के लाए थे और उन्होंने कहा और मुनकर क्यों हो गए क्यों? क्योंकि तुम एक इंसान हो तुम्हें तो एक सुपर नेचुरल चीज होना चाहिए आयत नंबर सिक्सटीन कालू उन्होंने कहा रब ना हमारा रब या वो जानता है इलम से इन्ना यक़ीनन हम इही तुम्हारी तरफ लामसलून अलबत्ता भेजे गए हैं देख लें उन्होंने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं आयत नंबर सेवनटीन भी साथ पढ़ लें वमा और नहीं अलैना हमारे ऊपर इल्ला मगर अलबलाख से है पहुंचा देना अल मुबीन साफ साफ आयत नंबर सेवनटीन में है और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और हम यासीन कर रहे थे और आयत नंबर एटीन पर थे आलू उन्होंने कहा इन्ना बेशक त तय्यरना हमने बदशगुन लिया हमने नामुबारक समझा बिकुम तुमको ला इन अगर लम ना तंताहू 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 नहीं से है कि तुम बाज ना आए ला नरजू मन्ना कुम तो ला नरजू मन्ना कुम तो ला मैंने अलबत्ता नून मैंने हम और आगे रजम और कुम अलबत्ता हम तुम्हें रजम करेंगे यानी कि हम तो हम जरूर संसार करें कर देंगे तुमको वाला या मसन्ना कुम मस होता है टच करना पहुंचाना तो वह और ला अलबत्ता या जरूर या वो मस जरूर पहुंचाएंगे कुम तुमको मिन्ना हमसे आजाबुन आजाब अलीम दर्दनाक तो बा मुहावरा हुआ वो बोले कि हम तुमको ना ना मुबारक देखते हैं अगर तुम बाज ना होगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे हाँ और हाँ और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा आयत नंबर 19 की साथ कर लेते हैं कालू उन्होंने कहा तायरुकुम तायरुकुम जैसे हमने पीछे पढ़ा था ततयुर ना यानी कि तायर क्या है ये नहुसत को कहा जाता है नहुसत तुम्हारी माआकुम तुम्हारे साथ है आ इन क्या इसलिए जिक्र तुम जिक्र जिक्र होता है नसीहत तुम तुमको नसीहत की गई बल बल्कि अनतुम तुम तुम औमम قوم मुसरफून इसराफ से है हद से बड़े हुए हो अच्छा जी बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर नाइनटीन उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है क्या इसलिए कि तुम नसीहत की गई बल्कि तुम ऐसे लोगों जो हद से तजावज कर गए हो अब जैसे मैंने आपको बताया था आयत नंबर थर्टीन से लेके ट्वेंटी वन तक इन आयत में कुरान सॉरी एक गांव वाले लोगों का किस्सा है और जिससे जो सुनाके मक्का को ये बताया जा रहा है कि जिस गांव वालों ने जिस तरह हट धर्मी जिद और तासुब से रसूलों का इनकार किया तबाही से दोचार हुए इसी तरह तुम भी अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हो अगर तुमने अपनी रविश ना बदली और मोहम्मद अलैहि वसल्लम पे ईमान ना लाए तो तुम भी इसी तबाही और बर्बादी से दो चार हो जाओगे अब ये हुआ ये कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम देते थे पीछे हमने क्या अभी तक समझ रहे थे कि लोगों को ये एतराज था कि रसूल जो है ये बशर क्यों है इंसान क्यों नहीं है तो अब कुरैश मक्का भी आप पर इल्जाम लगा रहे थे कि जो कलाम ये पेश करें ये खुद ही तस्नीफ करके अल्लाह के नाम से मंसूब कर देते हैं नाउस बल्ला अः कजब झूठ बांध रहे हैं और मुनकरीन हक को झुंझोड़ने के लिए इन पे अल्लाह ताला की तरफ से अः छोटे मोटे अजाब ये सख्तियां बतौर वार्निंग नाजिल होती रहती थी अगर कोई ऐसा कोई अजाब ना भी आए तो एक बात का वक्ू नहीं होता था यानी कि नबी जब दावत देता था कुछ लोग तो उनकी दावत पे कह देते थे और कुछ उसके मुखालफत में उतर आते थे इसी तरह दो ग्रुप्स बन जाते थे और जिनकी आपस में ठान जाती थी एक आदमी अगर ईमानदार है तो उसके रिश्तेदार काफिर होते थे मुनकरीन हक के लिए अलग मुसीबत बन जाती थी बहरहाल अजाब की सूरत हो या ऐसी तफरी की तो मुनकरीन हक इसका इल्जाम रसूलों पे धरते थे और कहते थे जब से तुम आयो ये मुसीबत पड़ गई है और ये तुम्हारी नहूसत का नतीजा है वरना हम सब पहले बड़ी आराम से रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे थे तो अब यहाँ पे अब हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था ना कि ये पहले दो पैगम्बर आए और फिर तीसरा आया और फिर और सबने जो थी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो लोग आगे से एतराज करते थे कि ये इंसान ही क्यों है बशर ही क्यों है और ये शख्स जो है वो झूठ बोल रहे हैं यानी कि ये जो अल्लाह का कलाम पेश कर रहे हैं ये खुद ही बना बनाया है और अल्लाह का नाम उस पर डाल रहे हैं आयत नंबर सोलह में था उन्होंने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि हमने तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजेगा यानी कि उन्होंने उन अः पैगम्बरों ने अपनी तस्दीक में यही कहा कि अल्लाह जानता है अल्लाह जानता है कि हमें अल्लाह तला ने तुम्हें अल्लाह का तुम्हारे लिए अल्लाह के काम भेजे है और वजह हमें हमें हमारे थ्रू अल्लाह ताला ने आ, रहमत से हमें पैगंबर बना के भेजे और आयत नंबर सेवनटीन में है कि हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है यानी कि हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम आपके पास सिर्फ अल्लाह का पैगाम अल्लाह के रहे हैं और फिर आयत नंबर जो 18 थी उसमें उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया कफार ने और जो लोग इन चीजों को मानते नहीं थे मुनकरी ने हक थे उन्होंने कहा कि तुम तुम लोग ही मनहूस हो नाउस बेला यानी हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे तुम्हारे आने की वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आ गई हैं एक अजीब सी एक अनारकी सी फैल गई है तो हम तो तुम्हें मुबारक देख रहे हैं अगर तुम बास ना आए तो हम तुम्हें कर देंगे संसार कर देंगे और हम तुमको दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा यानी कि उन्होंने उनको उन्हों वार्निंग दी इन लोगों ने अपने रसूलों को महज ऐसी ही धमकी दी थी कि जबकि कफारे मक्का ने कई बार अब यहाँ पे उस गांव वालों को और ये कोई मक्का इन दोनों के हालातों में जो सिमिलैरिटी थी वो बयान की जा रही है कि उन लोगों ने भी अपनी रसूलों को महज धमकी दी थी और इसी तरह कफार भी कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंडिविजुअली भी और ऑन द होल भी आपको जान से मारने की आपकी आपको धमकियां भी देते थे कोशिश भी करते थे और साजिशें भी करते थे और अब यानी कि तुम्हारी नहूसत की असल वजह वो नहीं जो तुम समझ बैठे हो बल्कि असल वजह यह है कि पहले तुम्हारे पास कोई वॉन करने वाला नहीं आया था लिहाजा तुम अल्लाह की तरफ से माजूर थे अब हमने अगर तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया तो तुमने इससे सरताबी की और अकड़ बैठे और इसकी पदाश में अल्लाह की तरफ से ये सजा मिल रही है और ये तुम्हारे अपने अमाल की नहुसत है कहीं बाहर से नहीं आई वो जो कहते थे ना कि ये तुम्हारे आने की वजह से अगर तुम लोग अपनी हरकतों से ये कि अल्लाह का पैगाम पहचाने से बाज नहीं आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और उन्होंने कहा कि, कि, कि खैर ख्वाह हैं और जो तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं तो तुम इनसे जान से मार डालने की धमकी देते हो ये तकलीफें देना चाहते हो अल्लाह की नाफरमानी ना पे अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं इंसाफ की बात करो तुम तो अकल और पैगाम उनकी वजह से आई है नहीं नवसत आपके अपने अमाल की वजह से आती है और वो तो कहते हैं ना कि ऐसे भी है की आपको जब जिंदगी में कोई ठोकर लगती है कोई छोटी सी भी तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह तला कि ये एक असूल है ये एक वार्निंग अल्लाह ताला दे देते हैं छोटे से अक्सर हम देखते हैं ना हम सुबह उठते हैं ओहो ये चलते चलते अपने बेड का कोना ही लग गया तो नील पड़ गया या वैसे एकदम टकरा के थोड़ा सा लुड़खड़ा गए तो ये अल्लाह ताला ये जो तमाम चीजें होती है हिकमत से खाली नहीं होती जब ऐसे मामला तो सबसे पहले देखा करे हकूक अल्लाह हुकूक आबाद में मैंने कहाँ डंडी मारी कहाँ मैंने कोई चीज़ ऐसी की कि नमाज कैसे पढ़ी थी या मैंने किसी के साथ अखलाक मेरा कहीं बिगड़ तो नहीं गया था तो ये छोटी छोटी वार्निंग्स होती हैं जो अल्लाह ताला देते हैं अब उस पे यहाँ के बस्ती वाले लोग और जो कफारे मक्का थे वो ये अपने साथ उनका जो बुरा होता था उसकी नहूसत की वजह पैगंबर को बताया करते थे और आप देखें कि ये वजह आज मेरे और आपके दरम्यान में भी है वो जी काली बिली, रास्ता काट गई फलाने की मुंह शक्ल देख लिया जी सारा दिन बुरा गुजरेगा ये जी बहू साबा ने कदम अंदर घर में रखा नहीं है तो बीमारियां आ गई या कोई किसी की फौतगी होगी तो नहूसत वगैरह कुछ नहीं होती इंसान के अपने अमाल होते हैं आयत नंबर ट्वेंटी पे आते हैं वजा आ और आया मिन अक्सल मदीनाती मिन अक्सा अक्सा कनारे से ये एक अंडरलाइन कर ले नया वर्ड है अक्सा अः कनारे से अल मदीनाती मदीनाती शहर के राजुलन राजन रजुल कहते हैं एक आदमी यस आस ई से है दौड़ता हुआ नंबर ट्वेंटी वन इतना पैरवी करो मन ला उनकी जो यस आलुकुम नहीं मांगते तुमसे अस आलुकुम सवाल से है अजरन अजर सिला वाहुम और वो मुख्तून वो सीधे रास्ते पर हैं बा मुहावरा देख लेते हैं आयतम ट्वेंटी वन और शहर के पले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा है मेरी कौम पैगम्बरों के पीछे चलो ऐसो को जो तुमसे सिला नहीं मांगते और सीधे रास्ते पर हैं अब यहाँ पे इससे मालूम होता है कि इन रसूलों और उनकी कौम के अंदर जो भी कन्वर्सेशन हुई वो कोई चंद दिनों पर मुश्तमल नहीं थी बल्कि कई सालों पे रसूलों की दावत और उनकी इनकार और धमकियों का चर्चा इस शहर के अलावा इनके इर्द गिर्द के इर, इलाके में भी बात फैल चुकी थी चुनाचे उसी इलाके से उनके इर्द गिर्द के इलाके से एक सालिया मर्द जिसका नाम जो है स्कॉलर्स हबीब नजार बताते हैं उसने जब ये सुना कि शहर वाले लोग अपने रसूलों को धमकियां दे रहे हैं तो वो एक वेल विशर एक अच्छा इंसान था उसने कहा कि ये कोई गलत हरकत ना कर बैठे तो उसे बर्दाश्त ना हुआ वो खुद एक अबादत गुजार इंसान था और हलाल कमाई खाना खाता था और एक अच्छी शोहरत रखता था और ये बातें सुनते ही दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया ताकि अपने कौम के लोगों को समझाए और उनको उन रसूलों की मुखालफत से बाज रखे ये आयत नंबर ट्वेंटी वन में है इस मर्दे हक, हक गो ने असहाइन के गाँव वालों को क्या क्या बातें समझाई आयत नंबर ट्वेंटी वन में है इस साल ने कौम के पास आके इन्हें दो बातें समझाई नंबर एक जैसे आप ट्वेंटी वन में देख रहे हैं कि ये रसूल जो तालीम पेश कर रहे हैं पहले तो वो खुद इस पे प्रैक्टिकली खुद अमल करते हैं और इनकी अखलाकी हालत भी तुम्हारे सामने बहुत बुलंद है यानी कि एथिक्स में भी बहुत उमदा है और जो ये बातें तुम्हें प्रीच कर रहे हैं उसको अमली तफसीर खुद भी है और दूसरी बात वो उसने ये बताई कि दूसरा ये जो कुछ तुम्हें तालीम दे रहे हैं, इस पे तुमसे कोई तुमसे कोई फीस तो नहीं ना ले रहे तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं तलब रहे और ना इस काम से इनकी कोई अपनी जती मफाद कोई वाबस्ता है तो ये जो बात कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं लिहाजा ऐसे बेलॉस मुखलूसों की बात तुम्हें जरूर माननी चाहिए बल्कि इनको वैल्यू करना चाहिए और ये सीधे रास्ते पर है तो बहरहाल ये सूर्य यासीन थी आयत नंबर ट्वेंटी वन तक का और ये हमारा यहाँ पे पारा नंबर ट्वेंटी टू जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है और इनशाला पारा नंबर ट्वेंटी थ्री शुरू करते और यही किस्सा जो है वो आगे हमारा आगे चलेगा तो पारा नंबर शुरू करते हैं बिल्लाही और क्या है मुझे ला ना अब मैं इबादत करूँ अल्लाजी उसकी जिसने फतर फितरत से है फतरनी और फितरत क्या और जैसे हमने पीछे फातर सूर फातर में भी पढ़ा किया फातर होता है पैदा करने वाला पैदा किया मुझे वही और उसी की तरफ तो और मुझे क्या है मैं इसकी परस्त ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौटा तुमको लौट कर जाना है अब आप ये देखें कि ये आ, आयत नंबर ट्वेंटी टू से फोर्टी फोर तक जैसे पहले मैंने बताया था 13 थर्टीन से शायद ट्वेंटी वन तक जो वाक्य था गांव वाला और इसी को आगे कंटिन्यूटी में यासीन में आता है आयत नंबर ट्वेंटी फोर्टी फोर फौर्ट तक गांव वालों रसूलों के साथ बहस और तकरार कर रहे थे गांव वाले और इतने में दूर शहर के एक गोशे से एक बंदा खुदा अल्लाह का बंदा दौड़ता आता है और वो इन रसूलों की हमायत करता है और दलील के साथ इनकी सदाकत की गवाही करता है अब वो क्या रसूल थे पीछे हमने जो पारा नंबर बाईस में पढ़ा कि दो थे फिर अल्लाह ताला ने एक तीसरा पैगंबर भेजा और वो उनको अल्लाह की बातें बताते थे और ये तीनों पैगंबरों के बारे में वहां की जो क्रिया वहां के जो लोग रहने वाले थे उनके लिए वो हो रहे थे वो प्रोग्राम्स बना रहे थे कि इनको रजम कर दें इनको जलीलो अख्वार कर दे इनका बुरा अंजाम कर दें तो जिस पर एक बंदा खुदा जिसको हमारे स्कॉलर्स बताते हैं हबीब नजार नाम उनका बताया जाता है कि उसने कहा कि इन तीन रसूलों की तकज़ीब ना करो लेकिन जो काफर थे वो तासुब में उनके दर पे हो गए हुए थे और वो जो शख्स था उसने उनकी हक में गवाही दी उनकी सदाकत की गवाही दी वो बेलॉस था उसने उसने बल्कि उसने लोगों को ये बात क्लियर कट बताई कि ये जो पैगंबर है ये बेगर्ज है तुमसे माल नहीं मांग रहे बल्कि ये राह रास्त पर हैं। फिर इसने बड़ी खूबसूरत बात कही आयत नंबर में कि ये हबीब नजार ने कहा कि मैं उस हस्ती की बंदगी क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है ये तो मेरा फितरी तकाजा है कि जिसने मुझे पैदा किया है मैं उसी की इबादत करूं मैं अपने खाले की बंदगी करूं क्योंकि मुझे उसके सामने पेश होना है और तुम सपने भी मर के उसके हजूर पेश होना है तो मैं अपने खाल को छोड़ के दूसरों के मबूत कैसे बना सकता हूँ जो मेरा कुछ ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तो सरी गलती में हूँगा तो ये बात उसने उस शख्स ने बहुत दलील के साथ बात समझाई अब अब ये जो मर्द साले ने बात समझाई इसने अपनी कौम को मुखातिब नहीं किया अब यहाँ जो आय ट्वेंटी टू में जो एक इम्पोर्टेंट बात आ, जो आ, वो ये हुई यहाँ पे एक अबलाख का तरीका बताया गया कि आप किसी को कन्विंस कैसे कर सकते हैं किस तरीके से बात किस हमत से काम की जाए तो इस मत ने जो बात अपनी कौम को जो मुखातब किया पर ऐसे किया कि वो चिड़ ना जाए बल्कि उसने क्या कहा अपनी जात से मंसूब करते हुए कहा कि भाई मैं तो पहले तो इस बात पे कायल हूं कि इबादत की वही हस्ती हो सकती जिसने मुझे पैदा किया मतलब उसने अपने से रिलेट करके बात बताई और इसलिए मैं इसी की इबादत करता हूँ और अल्लाह के सिवा जिन हस्तियों के तुम अपने हाजत रवाब मुकर कर रखा है इनका मेरे पैदा होने में रिस्क देने में कुछ हिस्सा तो है नहीं तो आखिर मैंने क्यों क्यों उनकी इबादत करूं फिर इनको ये बात बताई अंजाम के लिहाज से आखिर के तो हम सब ने मरना ही है ये कहा जा रहा है ना वो अल ही तुर तो आखिर तो हम सब ने मरना ही है और हम सबकी रूहें अल्लाह ही के कब्जे में होंगी तो तुम्हें इस हस्ती की तरफ लौट कर जाना है जिसकी बंदगी की दावत पे आज तुम्हें एतराज हो रहा है जब तुम्हें ये बात समझाना चाह रहे हैं तो तुम सोच रहे हो कि तुम लोग इनको नुकसान पहुंचाओगे तो यहाँ पे इस मोमिन ने यह बात उनको समझाई आयत नंबर ट्वेंटी टू में आयत नंबर ट्वेंटी थ्री आता क्या मैं बताऊं इसके सिवा आली हातन उसके सिवा माबूद इला माबूद इन अगर युरिद्नी, 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 चाहे मुझे अर्रह्मान, जर, नुकसान, नुकसान पहुंचाना ला नहीं तुगनी तुगनी को अंडरलाइन कर लें ये एक नया वर्ड अभी इस पारे के शुरू में आया तुगनी होता है कि फायदा देगी अन्नी मुझे शफात शफात हम के का शफात उनकी सिफारिश शई कुछ भी वाला और ना युन कैजून और यहाँ पे युन कैजून को भी अंडरलाइन कर लेने युन कैजून युन कैजून होता है वो मुझको छुड़ा नहीं सकते युन कैजू इन काज ठीक है जी बाम देखते हैं आयत में ट्वेंटी थ्री क्या मैं इसको छोड़कर औरों को मबूद बनाऊं अगर अल्लाह मेरे हक हाँ में नुकसान करना चाहता है तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा ना दे सकेगी और ना वो मुझे छुड़ा ही सके आय ट्वेंटी फोर को भी साथ पढ़ लेते हैं इन्नी बेशक मैं इजन जब लफी अलबत्ता जुलाल क्या होता है गुमराही मुबीन खुल्लम खुल्ला तब तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो गया अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत दलाइल के साथ इस बंदे मोमिन ने बात की फिर उसने बात समझाई कि ऐसे मुश्किल खुशाओं की मुश्किल कुशाई का मैं हरगिज कायल नहीं अगर मेरा परवरदिगार मुझे किसी तकलीफ में मुबतला कर दे तो ये जो मबूद जो तुम लोगों ने बना के बैठे हुए अल्लाह के शरीक बना के बैठे हुए इनमें तो इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के मुकाबले में मुझे इस तकलीफ से बचा सके और ना ये कर सकते हैं कि अल्लाह से सिफारिश करके मुझे इस मुश्किल से निजात दिला दे तो यहाँ पे उन्होंने बहुत बंदे मोमिन ने जिसको कहते हैं दलील से बात बताई आयत नंबर ट्वेंटी टू में बताई कि मुझे क्या हो गया है मैं उसकी प्रस्तुष ना करूं जिसने मुझे पैदा किया नहीं कि बताया कि डेफिनेटली जिसने मुझे पैदा किया मुझे तो चाहिए कि मैं उसके इबादत करूं आयत नंबर ट्वेंटी थ्री में बताया कि तुमने अल्लाह के अलावा जिनको शरीक बना लिया हुआ है अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता है तो ये जो शरीक है क्या ये मेरी तकलीफ दूर कर सकते हैं या ये कोई सिफारिश कर सकते हैं जबकि कुछ भी नहीं कर सकते ना मेरी तकलीफ दूर कर सकते है ना मेरी कुछ सिफारिश ना मुझे बचा सकते हैं तो तब तो मैं आयत नंबर 24 में वो फरमा कहता है कि तब तो मैं सिरी गुमराई में मुबतला हो गया तो मैं तो बिल्कुल ही बेबस हूँ यानी कि अगर मैं ये काम करता रहा हूँ इतना बड़े लॉजिक के साथ मैं बात बयान कर रहा हूँ तो फिर इबादत और हुक्म किसका माना चाहिए जिसने मैं तखलीफ किया आयत नंबर ट्वेंटी में इन्नी बेशक मैं आमंतु ईमान लाया बे रबिकुम रब पर फस फ मैंने पस और आगे सीन, मीम और समाज से है सो मेरी बात सुनो बावरा मैं तुम्हारे पे ईमान लाया हूँ ने कहा कि मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया यानी कि वो मेरा ही रब नहीं तुम्हारा भी रब है तुम मेरी बात मान लो तुम भी मान ले आओ तुम्हारी ये गलती है कि तुम ईमान नहीं ला रहे मर्द मोमिन बड़ी जुर्रत के साथ शहादत हक पेश कर रहा था मतलब उसको इस चीज पे कोई नहीं था कि लोग उसके साथ क्या मामला करेंगे तो हबीब नजार ने मना फरमाया कि इन तीन रसूलों की तकज़ीब ना करो तो काफर उनके भी दर पे हो गए लोग की वजह से उसको उसको झुठला रहे थे और हजूर वसल्लम की पेदाइश से पहले भी ये तीन शख्स आप सलम पर ईमान ले आए हुए थे तो बहरहाल यहाँ पे आते हैं कि ये बातें समझाने के बाद उसने काफरों से भरे मजमे में कितनी जरूरत की बात होती है कि अपने ईमान का ऐलान किया और ऐलान भी किस अंदाज में किया उसकी वर्डिंग से मैं तुम्हारे पे ईमान ला चुका हूँ ये नहीं कहा कि मैं अपने परवरदिगार पे ला चुका हूँ यानी कि उन्होंने इंतहाई फिर एक लॉजिक से बात सिखाई कि मेरा परवरदिगार वही है जो तुम्हारा परवरदिगार है और जो तुम्हारा परवरदिगार है वही है जो मेरा परवरदिगार है तो इस पर ईमान ला के गलती नहीं कर रहा बल्कि तुम ऐमाना लाके गलती कर रहे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी बहुत लंबा हो गया डिटेल लेकिन आई होप कि ये किस्सा हमें समझ आ जाए आयत नंबर ट्वेंटी क्योंकि हम जब अब सूर्य यासीन जो हमारी बहुत सी बहन माशाल्लाह रोज डेली लाइफ में होती है वो जब पढ़े तो उनके जहन में ये तमाम बातें आए वो जो खत्म हों आसारा होंगी और फिर ये जो एक बस्ती का कस्सा था आयत नंबर ट्वेंटी सिक्स किला कहा गया अद खुली दाखिल हो अल जन्नत में बोला कहा उसने या लईता ए या लईता होता है ए पहले भी लफ्ज आ चुका है औमी मेरी कौम वाले या लमून जानते आयत नंबर ट्वेंटी सिक्स का बा मुहावरा है हुक्म हुआ कि बेशत में दाखिल हो जाओ बोला काश मेरी कौम को खबर हो कि मेरी कौम को खबर हो आयत नंबर ट्वेंटी सेवन ये भी इसके साथ है बिमा उसके साथ जो इस बात को के कोकर गफर मुकर वाला इज्जत वालों में बा महावरा आयत नंबर ट्वेंटी सेवन के अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में किया अब आप ये देखें आयत नंबर छब्बीस अब रसूलों की दावत पर तो ये लोग धमकियां दे रहे थे जो तीन पीछे तीन की बात की जा रही ना तो वो धमकियां दे रहे थे कि हम रजम कर देंगे हम मार देंगे और ऐसा कुछ बुरा सलूक करेंगे और लेकिन वो लोग जो थे ना वो डर भी रहे थे कि फिलवाक अगर ये रसूल हो तो हम पे आफत ना हो जाए मगर जब इस मर्द हक ने नासहाना अंदाज में इनके महबूदों की खामियां उनकी जो शॉर्ट थी उनकी जो फॉल्ट थे उन पर वाजिया कर दिया लॉजिक के साथ तो इसको उन्होंने अपनी और अपने मबूदों की इंसल्ट समझी उनकी में गुस्ताखी समझी और उसे फौरन कत्ल कर दिया और इसके कत्ल होने के बाद इसे फरिश्तों ने खुशखबरी दी आयोजन ट्वेंटी सिक्स में कि जन्नत तुम्हारी मुंतजर है इसमें दाखिल हो जाओ क्योंकि वो सही मायनों में शहीद था क्यों क्योंकि उसने अल्लाह के दीन की खातर अपनी जान दी थी और शौदा के मुतल कुरान और अहादीस में है के शहीद ब्राह रास जन्नत में चले जाते हैं और वहां रिजक दिया जाता है और उनकी रूहें सुबहान अल्लाह सबस परिंदों की शक्ल में जन्नत के पाओ में चहचहाती फिर सुबहानी उस शख्स तीन रसूलों का तो लोग प्रोग्राम बना रहे थे कि इनको नाउज बेला बना रहे थे इनको कतल करेंगे इनको रजम करेंगे लेकिन इस बंद खुदा को उन्होंने हमला कर दिया और शहादत आ, नसीब होते ही इसको जन्नत की बशारत भी देगी और जो ही वो मौत के दरवाजे से के आल में आखरत में पहुंचा तो फरिश्तों ने इसका इस्तकबाल के लिए मौजूद थे अल्लाह ने इसको उसी वक्त जन्नत में दाखिल कर दिया और जन्नत की खुशखबरी सुन के सुनके उसने क्या कहा कहाला या लई ता कौमी या अलमोन काश मेरी कौम को मालूम होता कि जिस चीज पर मेरी कौम ने मुझे कत्ल किया वही चीज मेरी मफरत का सबब बनी है सुबह ये इस मर्द मोमिन के कमाल का नमूना है मालूम हो जाता कि सीधा रास्ता यही है और वो राय रास् पर आ जाए और अपने कातलों के लिए जहनम नहीं चाहता था और इस मर्द मोमिन की तारीफ करते हुए हदीस में आता है कि इस शख्स ने जीते जी भी अपने कौम की खैर खुआ की और मर कर भी सुबह इस तरह हम में और आप में से कोई हो सकता है हमारी दुनिया में कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे हम दुनिया में भी उसके साथ करें और जाते भी, भी उसके लिए खैर ख्वाही करें तो ये ऐसा मर्द मोमिन था कि वो कह रहा था कि मेरे अंजाम से लोगों को खबरदार मेरी निजात का मेरी मफरत का सबब बने और ये वाक्य बयान करके अल्लाह ताला ने कफार मक्का को इस हकीकत पे वॉन किया कि मोहम्मद और आप सल्लाम के साथ अहले ईमान भी इसी तरह सच्चे खैर खुआ है जिस तरह वो मर्दे मुहमिन अपनी कौम का खैर खुआ था ये लोग तुम, तुम तुम जितनी भी तुमको तकलीफे पहुंचा रहे हो जितने भी तुम उनके खिलाफ महाज खड़े कर रहे हो इनके अंदर कोई जज्बा इंतकाम नहीं इनकी दुश्मनी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी गुमराही से है ये तुमसे इसलिए लड़ रहे हैं कि तुम राह रास पर आ जाओ अब इस आयत से जो मैंने भी पिछले पारे में हमने बात की थी आयत सो रिया में बरजख की बात की थी तो इस आयत से आलम बरज की जिंदगी का सरी सबूत मिलता है इससे मालूम होता है कि मरने के बाद से क्यामत तक का जमाना कामले नीस्ती का जमाना नहीं बल्कि इस जमाने में रूह जिसम के बगैर जिंदा रहती है कलाम सुनती है कलाम करती है जज्बात एहसास रखती है खुशी गमी महसूस करती है और अहले दुनिया के साथ इसकी दिलचस्पियां बाकी रहती हैं अगर ये ना होता तो मरने के बाद मर्द मोमिन को जब जन्नत की बिशारत दी जाती तो वो अपने कौम के लिए कैसे तमन्ना करता कि काश वो उसके नेक अंजाम से बाखबर हो जाए और और ये अल्लाह ताला कुरान में वाकया बयान करके मुझे और आपको भी अल्लाह ताला वॉर्न कर रहे हैं कि ये वो हबीब नजार इतना वेल विशर था के मरने के बाद भी उसको था कि मेरा अंजाम की खबर हो जाए तो जिससे हमारे लिए भी ये एक एक हमारे लिए एक लाइट है हमारे लिए मशले हबीब नजार की जिंदगी कि कि इसने 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 और कहते हैं इसने, इसने अपनी पूरी जिंदगी में शायद काम ही यही किया था कि इसने उन तीन पैगम्बरों की हमायत की थी और अल्लाह की वदानियत का ऐलान किया था जिसकी वजह से वो शहीद भी हो गया और जन्नत का मुस्तक भी हो गया अल्लाह ताला, अल्ला ताला बहुत मेरे तला शहादत की मौत अता फरमाए और अल्लाह इस ज़िंदगी में ऐसे काम करा ले अल्लाह आप हमसे राजी हो जाए तो नस्तुल्ला आज जो हमने पढ़ा अल्लाह ते अमल करने की तोफ़ी अता फरमा दे और जितनी मेरी बहनें आई हैं जो नहीं आ सकी अल्लाह ताला हमारे सब घरों में अल्लाह ताला रहमतों की बारिश कर दे तमाम फिक्रों परेशानियों को दूर फरमा दे आमीन आमिन